नमस्कार, मैं हूं दीपिका पाथरे और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का कार्यक्रम हेल्थ स्पेशल। आपने गौदान सुना होगा, आपने भोजन दान सुना होगा और इन सभी दान से जो ऊपर माना जाता है रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन, आपने वह भी सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे दान के बारे में जो इन सभी दानों से ऊपर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पर्म डोनेशन यानी कि वीर्य दान के बारे में। तो आइए जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है स्पर्म डोनेशन और इसके क्या क्या इफेक्ट एवं साइड इफेक्ट हैं। दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी विकी डोनर, उसमें हीरो आयुष्मान खुराना होता है। आयुष्मान खुराना उस मूवी में अपना स्पर्म बेचकर पैसे कमाते थे और वो स्पर्म काम आता था उन दंपति के जो माता पिता नहीं बन सकते थे। दोस्तों, स्पर्म डोनेशन यानी कि शुक्राणु दान एक पुरुष के द्वारा किया जाता है। स्पर्म डोनेट एक पुरुष स्वयं के द्वारा करता है और उस स्पर्म का उपयोग किसी महिला या महिला के कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए किया जाता है। स्पर्म डोनेट यानी कि शुक्राणु दान गर्भावस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। एक हेल्दी स्पर्म द्वारा उन महिलाओं को गर्भवती बनाने में मददगार होता है जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं और जो महिलाएं मां बनने की चाह खो चुकी होती हैं। एक हेल्दी स्पर्म उन दंपति को खुशी दे सकता है जो माता पिता नहीं बन सकते तथा जिनके पार्टनर का वीर्य कमजोर हो। जो स्पर्म डोनेट किया जाता है उसे महिला के गर्भाशय में डॉक्टरों की सहायता से ट्रांसफर किया जाता है। स्पर्म डोनेट वही कर सकता है जिस व्यक्ति के अंदर शुक्राणुओं की संख्या काफी अच्छी होती है। वो स्पर्म डोनेट करने पर आपको पैसे भी दिए जाते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। स्पर्म डोनेशन यानी कि शुक्राणु दान करते समय इन बातों का भी रखा जाता है ध्यान। स्पर्म डोनेट आप शुक्राणु बैंक या स्पर्म बैंक या फर्टिलिटी क्लिनिक के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। स्पर्म डोनेट करते समय यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की झिझक या शर्म है तो आपको बता दे, इन सभी चीजों को आप अवॉइड कर स्पर्म डोनेट कर सकते हैं क्योंकि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा यह सोशल वर्क के तौर पर भी है। आपका स्पर्म हेल्दी होना चाहिए। जब महिला के गर्भाशय में स्पर्म ट्रांसफर कराया जाता है तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है यानी कि कोई पता नहीं लगा सकता कि किसके स्पर्म से किस महिला का बेबी हुआ है। इसका फायदा ये होता है कि किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, स्पर्म डोनेशन के समय आपकी इंटेलिजेंसी भी चेक की जाती है ताकि बच्चे की आईक्यू तेज हो सके। स्पर्म डोनेशन के समय यह भी देखा जाता है कि आप स्मोकिंग, शराब, ड्रग्स आदि से दूर है या नहीं और आपके अंदर यानी कि आपके शरीर में 1% कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी तो नहीं है। स्पर्म डोनेशन के समय आपका परिवार, आपका बैकग्राउंड, आपकी पढ़ाई, आपकी उम्र इत्यादि इन सभी चीजों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रही स्पर्म डोनेशन के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे, स्पर्म डोनेट करना एक पुण्य का भी काम है क्योंकि आपकी वजह से किसी का परिवार बच सकता है जो माता पिता नहीं बन सकते। आपके वीर्यदान की वजह से वो माता पिता बन सकते हैं।
इसी तरीके की और अधिक आपके शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए आप टीवी 30 इंडिया के एंड्रॉइड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।